विश्व मत्स्यकी दिवस के अवसर पर शनिवार को प्रदेश के राज्य मंत्री मत्स्य पशुधन एवं दुग्ध जयप्रकाश निषाद की अध्यक्षता में मंडलीय कार्यशाला का आयोजन एनेक्सी भवन के सभागार में किया गया, जिसके संबंध में प्रदेश के मत्स्य पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य पालकों मछुआरों की आय दुगुना करने, उत्पादकता बढ़ाने एवं उनके आर्थिक उन्नयन के लिए अनेक योजनाएं संचालित की हैं और भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का संचालन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मछुओं व मत्स्य पालकों की आय को दुगुना करना व रोजगार सृजन, मछुआरों व मत्स्य पालकों को सामाजिक आर्थिक व जोखिम से सुरक्षा प्रदान कर मजबूत मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा तैयार करना है। इस अवसर पर उन्होंने मत्स्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 लोगों को पुरस्कृत व प्रमाण पत्र देने के साथ ही मंडल के 8 मत्स्य पालकों को एक जनपद में दो दो किसान क्रेडिट कार्ड तथा 5 लाभार्थियों को मछुआ आवास का प्रतीक चाभी प्रदान किया और उन्होंने जागरूकता के लिए एनेक्सी परिसर में लगाए गए 4 स्टालों का विधिवत अवलोकन किया तथा उनको सम्मानित किया तथा विभाग के द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष रमाकांत निषाद, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, जिला उपाध्यक्ष राजेश निषाद सहित DDM नाबार्ड नवीन कुमार एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी सहित मंडल के मत्स्य पालक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने कहा, अरे यार क्या जो लगा कोई इधर तो नहीं पता है इसके बाद मरा मारा देखा हूँ पढ़ना है तो शुरू में सर हम लोगों ने करीब 400-500 तालाबों में जी सर सर अच्छा रानी ये सब सेल्फ ब्रीडिंग फिश है जिस तालाब में पलेंगे बड़ा है तो ढाई तीन बीघे का कार्यक्रम में हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे मुख्य अतिथि रूप में माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार पत्थर मत्स्य एवं दुग्ध विकास हमारे बीच में है, उनके साथ लगभग अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश को इनलैंड स्टेट का अवार्ड मिला हुआ है जो कि हमारे बड़े मंत्री श्री बिकाऊ निषाद साहब माननीय अध्यक्ष खाद्य मत्स्य विकास निगम का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे मुस्कुराता हूँ अंधेरी रात में मैं सबका भला होता रहे वो पवन हूँ वो पवन नए सुभाव चढ़ते हुए अंतर स्थिति मानसिकी के क्षेत्र में
नहीं आया उसका तो पहचाना है पोटेंशियल बनाना नमक से उत्पादन स्तर 6.99 लाख मीट्रिक टन है और अनुमोदित खबर का स्तर 8 लाख मीट्रिक टन है प्रदेश में मत्स्य आपूर्ति की मांग में निरंतर वृद्धि के कारण वर्ष 2022 के स्तर पर 9 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है राष्ट्रीय स्तर पर अंतर स्थिति मत्स्य उत्पादन में 7.4% का योगदान देते हुए उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर है भारत सरकार द्वारा मात्स्यिकी के नियोजित विकास के लिए मत्स्य मंत्रालय की स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई है देश में मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत नवीन महत्वाकांक्षी योजना के रूप में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन दिनांक 10 सितंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करते हुए वर्ष 2024-25 तक 70 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन बढ़ाते हुए 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ना है इसके अंतर्गत परंपरागत मत्स्य पालन के विकास के साथ साथ RAS बड़े फ्रॉक खाए जाने भी खाते खुलता है हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में आज 7 लाख टन मीट मछली पैदा होती है इसको बढ़ाकर हम 8.5 लाख टन इसको पैदा कर रहे हैं दूसरा हमारा एक भी लक्ष्य है 20 टन प्रतिदिन क्षमता का एक आवेदन किया गया है छोटे मत्स्य आहार प्लांट 2 है 3831 पूरे देश में विश्व मत्स्यिकी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक भारी बजट की व्यवस्था की है और उस बजट के हिसाब से उत्तर प्रदेश और केंद्र की दोनों सरकारें मिल करके उत्तर प्रदेश में मत्स्य विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं आज आप सब लोग जानते हैं या बड़ी खुशी की बात है कि पूरे देश में दुग्ध विकास में हम अगर उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं तो मत्स्य विकास में भी उत्तर प्रदेश आज आगे है यह पूरे देश में यह सुन करके बड़ा ही खुशी होती है और मत्स्य पालकों के उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम और इन योजनाओं की जानकारी देने के लिए कि वो मत्स्य पालन में रुचि लें और मत्स्य विकास में काम करें और लोगों को रोजगार भी मिले इससे मत्स्य पालक कृषकों का उत्थान हो